मैं हूं प्रज्ञा, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की ओर रुख करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम वही खबरें आपको दिखाते हैं जो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि सच जरूरी है। भारत रत्न पुरस्कार से आज सम्मानित होंगे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को आज भारत के सर्वोच्च नागरिक भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा जाएगा। ये पुरस्कार उन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देंगे। बता दें कि प्रणब मुखर्जी का राजनीतिक करियर 5 दशक का है, जिसमें उन्हें कांग्रेस में और इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिंह राव और मनमोहन सिंह की सरकारों में अहम पद मिले। एनएसए डोवाल कश्मीरों के साथ किया लंच तो गुलाम नबी आजाद ने कसा तंज। कश्मीर के आम नागरिकों के साथ एनएसए अजय डोवाल के लंच करने और बातचीत की तस्वीरें सामने आने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद की प्रतिक्रिया आई है। पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में गुलाम नबी आजाद ने कहा, पैसे देकर आप किसी को भी साथ ले सकते हो। घाटी के बाद अब जम्मू के नेताओं पर एक्शन, पूर्व मंत्री लाल सिंह नजरबंद। जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार देने वाले आर्टिकल 370 किए जाने के बाद केंद्र शासित प्रदेश में माहौल शांतिपूर्ण बना हुआ है। घाटी के बाद अब जम्मू के नेताओं पर एक्शन, पूर्व मंत्री लाल सिंह नजरबंद। जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार देने वाले आर्टिकल 370 किए जाने के बाद केंद्र शासित प्रदेश में माहौल शांतिपूर्ण बना हुआ है। वही सोमवार को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल राज्यसभा में पास होने के बाद पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती और अमर अब्दुल्ला को नजरबंद किया गया था। एमएनएस न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब